आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्री और टिकट काउंटर पर बैठे रेलवे कर्मचारी में विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों में मारपीट भी हुई। गंभीर अवस्था में घायल यात्री कुर्बान, जिसे आगरा से दिल्ली जाना था, पर जब कुर्बान आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचा, तो टिकट विंडो पर बैठे रेलवे कर्मचारी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। घायल यात्री का आरोप है कि टिकट विंडो पर बैठे रेलवे कर्मचारी ने लोहे की रोड से बेरहमी से मारा और जिससे उसके सिर और शरीर के हिस्सों में चोट आई। यात्री कुर्बान का कहना है कि नोएडा से आगरा मजदूरी करने आया था, पर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर हुए विवाद ने कुर्बान की यह हालत कर दी है। पुलिस ने घायल कुर्बान को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया और कार्रवाई शुरू कर दी है। मोहम्मद कुर्बान, घर मेरा जेवर गौतम बुद्ध नगर है। क्या करते हो? जी मैं कारपेंटरी करता हूँ। कहाँ जा रहे थे आप? जी मैं दिल्ली, नई दिल्ली के लिए जा रहा था। कहाँ से जा रहे थे? आगरा कैंट से। चोट कैसे लगी तुम? चोट मेरे टिकट काउंटर वाले ने मारी चोट। क्यों? उससे मैंने, उसके बगल वाले से मैं टिकट मांग रहा था, टिकट के लिए जानकारी हासिल कर रहा था कि ट्रेन कै बजे जाएगी, शताब्दी एक्सप्रेस और कै रुपये की टिकट है। तो दूसरा वाला बोलता, उसके बराबर में बैठा हुआ, तेरे बाप ने भी कभी शताब्दी एक्सप्रेस में सफ़र करा जो तू करेगा? मैंने कि ये कितने रुपये की टिकट है, लूँ मैं अभी खरीदूँ? फिर मैंने बोला, मैंने कि अंकल जी आप मेरे बाप की इसी उम्र के हो, आपको ये बातें सोचने देती, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो फिर मुझे अंदर से गाली बकने लगे। मैंने कि अंकल जी ये बात सही ना, तो गए इधर इधर को, मैं उनके काउंटर पर गया तो उन्होंने मेरे मुँह पर घूंसा मारा। फिर मैंने कि अंकल जी आप बाहर को आओ, तो जैसे कि वो गेट पर गए, मुझे अंदर खींचा, उनके हाथ में कुछ लग रहा था, हाथ में कुछ धातु लग रही थी कोई किसी तरीके की भारी, उन्होंने मेरे सिर पर दे मारी और मेरे खूनम खान हो गया मैं, और घूंसे भी मारे। मैं बाहर निकल के आया और खून क्या कर, मैं फर्श पर पड़े थे सारे में, वहाँ तीन चार पुलिस वाले खड़े थे, पता नहीं कौन थे, बाहर के थे चाहे वहीं के थे। मैंने उनसे बोला, सर मेरे क्या कह, मैं इन्होंने सिर फोड़ दिया, ऐसे पकड़ लो भग जाएगा वरना। वो कहने लगे कि जाओ रिपोर्ट लिखाओ। मैंने कि आप ही तो पुलिस है, और कौन रिपोर्ट लिखेगा? मैंने कि अब मैं कहीं ना जाऊँगा, मैं यहीं बैठूँगा, मैं वहीं बैठगा फर्श पर, खून निकलता रहा। पुलिस वाले आते रहे जाते रहे, देख के नहीं किसी ने ना पकड़ा ना कुछ करा। काउंटर नंबर सर ऐसे तो ध्यान नहीं है, मगर मैं पहचान बता दूंगा मैं। और फिर क्या कह, मैं उसमें काउंटर पे उठने के बाद में 10-15 मिनट मेरे ब्लड बहता रहा, सारा कपड़े वपड़े सब ब्लड में बह गए। मुझे एक नहीं मारा।